रावण पीढ़ी ना, रावणा पीढ़ी, रावणा पीढ़ी से अभी हम रावणा पीढ़ी से जा रहे पट्टडकल, जो कि अंतर है 13 किलोमीटर और वक्त जो लगेगा वो है 19 मिनट। चले चलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर पुराना ही है ना? जी सर, ये पुराने स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट देखिए, आजू बाजू ये गांव नहीं घूम सकते अंदर? गांव नहीं घूम सकते ना? घूम सकते सर, गंदा है सर। अच्छा, और कुत्ता भी बाहर गिर जाता है। अरे बहुत ही, ये तो अगर ये वास्तुकला का पुराना नमूना, ये इसको डेवलप किया तो एक 10 दिन 4-5 दिन तो मिनिमम इधर ही देखे। तो इसके ऊपर लोग ध्यान क्यों नहीं दिया? यानी कितना बहुत, कितने स्ट्रक्चर से 122 मंदिर है सर। तो इसको तो पूरा यानी गांव को हटाना चाहिए, हो गया डेवलपमेंट कर रहा है सर। अच्छा अच्छा, इनको बाहर शिफ्ट कर, लोगों को शिफ्ट कर। ओके, यानी ये तो बहुत जतन करने वाली चीज है। जी सर, और ये ऊपर किला तटबंदी, हाँ, फोर्ट, लेटर फोर्ट। यहाँ पे मेन होते हैं क्राफ्ट, ज्वारी होते हैं। अच्छा, ज्वारी होते हैं, पीनट्स होते हैं। हाँ, मैंने देखा ओवरऑल ज्वारी का तो बहुत खेती है। हाँ, कॉटन भी होते हैं। ओके, ज्वारी ज्यादा करते हैं। तो यहाँ का मेन जो फूड आइटम है वो क्या है? ज्वारी रोटी। ज्वारी रोटी, वो कड़क की नॉर्मल? देखिए, जब नॉनवेज के साथ कड़क ज्यादा खाते हैं। नॉनवेज के साथ कड़क खाते हैं, ग्रेवी रहते हैं उसके साथ, टेस्ट लगता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा लोग स्मूथ स्मूथ वाला भी। हाँ, क्योंकि हमारी तरफ तो स्मूथ ही रहती है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। कड़क भी लोग, बदम में रहने के लिए क्या, किस तरह से रहने की? तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं, अगर यहाँ पर कोई होम स्टे है क्या? नहीं सर, नहीं है ना, क्योंकि अगर किसी घर में या गांव में ऐसा है ना, होम स्टे के लिए मिले ना, तो एक एक्सपीरियंस मिल जाता है अलग से। यहाँ पे और डर के कोई नहीं करते। अच्छा, कपाल उतना नॉलेजेबल नहीं रहते सर, कि क्या होता है ना। हाँ, यहाँ पे है लेकिन उनको आइडिया नहीं रहते होम स्टे के। तो हम्पी में होम स्टे, लॉट ऑफ होम स्टे है सर। हाँ, हम्पी में। हाँ, परसों हम्पी जाते सर। हाँ हाँ, मतलब कल भी इधर स्टे रहते, कल यूनिंग निकलेगा तो आप लोग सर जाते हैं, कल आप लोग 1-2 बजे तक सेंचिन करके पेड़ वगैरह लगा के निकलेगा तो आप यूनिंग वहाँ पे स्टे हो सकते हैं। तो आप हम्पी में, हम्पी में होम स्टे पे रह सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट डे आप लोग 2-3 दिन सेंचिन करके। हाँ ठीक है सर, उधर से आपका प्लानिंग वैसा सही है। क्योंकि थोड़ा सा धूप रहेगा या सीजन रहेगा तो वो लोग थोड़ा सा धीरे धीरे देखेगा, तो सो 2.5 डेज करते हैं। यानी अगर दोस्तों मैं कहूँ कि अगर आपको बदामी, पट्टडकल और अहिले करना है तो एक दिन में आप इसको जरूर देख सकते हैं, जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन की पूरा आप यहाँ टूर कर सकते हो। अच्छा, पट्टडकलू, पट्टा द डी नहीं है, द द पट्टडकलू। यस, देखिए ना, तीन वर्ड पहले पट्टडकलू, ये क्या हुआ? अच्छा, ये यहाँ पे रेनोवेशन करने के लिए पत्थर काटा है। अच्छा, घर के लिए। हाँ, लंच कितना बजे करते हैं? करते हैं ना, कितने कैसे करना चाहते हैं? लोकल लोकल टोटल लोकल लोकल बेटर। हाँ, लोकल ऑथेंटिक फूड रहेंगे तो ये सर सही है।
बीजापुर और इसका जो टेरेन है यानी ओवरऑल जो वो अलग है लैंडस्केप जो है ड्राई लैंड और फ्लैट लैंड प्लेन लैंड जो है ना यहाँ प्लेन एंड देन छोटे छोटे पहाड़ भी है हिल स्टेशन ज्यादा अच्छा इसलिए ज्वार की खेती होती ज्यादा होती है लेकिन पर्वत भी जो है पहाड़ भी जो है वो पूरे एकदम स्ट्रांग पत्थर की बनी हुई है सैंडस्टोन का ही है अच्छा बहुत खूबसूरत दिख रहे दोनों तरफ पहाड़ियां है और रोड स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है रोड डेवलपमेंट अच्छी है अभी एक साल हो गया सर डेवलप करके पहले बहुत खराब रोड था अच्छा टूरिज्म प्लेस होता है डेवलप होते रहते हैं ये स्ट्रक्चर की भी कमाल है कितने सालों से तूफान बारिश ये सब झेल रहे हैं और दुख का जैसे अभी इज अ वेरी गुड कंडीशन हाँ दो तो आगे ग्रुप आ गए मैं तो एक कर सकता हूँ दूसरा नहीं कर सकता ये बात ऐसे हो जाते हैं क्लैशेस अभी देखिए आपको खाना होते हैं तो हम लोग ज्यादा खाना देते कितना खा सकते हैं बिल्कुल वो बात और एक एक दिन भूखे रहते हैं कुछ भी खाना नहीं रहता है हम लोग यहाँ पे 3 महीने काम करना पड़ता है साल भर यूज करना हम्पी और बीजा पे 12 महीने भी सिटी है करेक्ट करेक्ट सब टूरिस्ट को हम्पी और बीजापुर पता है लेकिन बादामी पता है ज्यादा लोगों को ज्यादा करेक्ट है इवन बादामी तो ठीक है ये बहुत कम लोगों को मालूम है इसको और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है ना और एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए लेकिन देखिए हम लोगों को एक थोड़ा सा एक रोटी मिलता है तो वो सब महाराष्ट्र लोगों से मिल रहे हैं वही लोग ज्यादा टूरिस्ट गाइड लेते हैं वही लोग वही थोड़ा ज्यादा गाइड इंटरेस्टिंग रहते हैं अभी तो एक दो साल तो फॉरेनर्स तो नहीं आए हाँ बिल्कुल यानी ये साल तो समझ लीजिए थोड़ा मुश्किल ही है सर लेकिन फॉरेनर आते हैं यहाँ पर हाँ बहुत यहाँ पे स्टे रहता है ना सर इंडिया में वो लोग आ रहे हैं पहले तो बहुत फॉरेनर्स लोग आते थे अच्छा जर्मन इटालियन लोग ओके 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 ये कोरोना की वजह से बहुत कम हो गए वहां पे सर आपको जो बादामी जो कि उसका आजू बाजू वहां पे प्लांटेशन रखा था बेचने के लिए शो प्लांटेशन और अच्छा वैसे शो प्लांटेशन बड़ा पेड़ वैसे वाला भी देखेंगे सर उधर वहाँ हो सकता बता मैं आपको बोलता हूँ गारंटेड हो सकता है ये फार्म नर्सरी होती है ना या बीजापुर में मुझे सड़क के किनारे वो इधर बहुत लोग खरीदा नहीं करते ना सर इसलिए वो लोग लगाएंगे तो एटलीस्ट तो दिन के लिए इतना खर्चा होना चाहिए ये बात भी है देखते आगे कैसे बनता है उस हिसाब से देखते हैं।
मतलब प्रभावी मैं यहाँ पर राइट साइड पोल पे लिखा देखे डेट वहीं तक फ्लड आए थे राइट रेड मार्क। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नदी ये मलप्रभा नदी कृष्णा अच्छा ओके कृष्णा नदी पर। अभी हम पट्टक डकल पे पट्टक डकल पहुंचे हैं। हाँ लेफ्ट लेफ्ट एक पट्टक डकल में एंट्री ली हमने।